बोलिए सतगुरु देव की जय। परम वंदनीय मुझ मंगल में संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताओं, आप लोगों के बीच कुछ देर सतगुरु कबीर की वाणियों के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत करें। एक बार की बात है, दो व्यक्ति एक छोटा सा बिजनेस किया करते थे और वो बिजनेस ऐसा था कि लोगों को जैसे घर की जरूरत पड़ती है, मकान की जरूरत पड़ती है, तो लोग उनसे संपर्क किया करते थे और वो दोनों व्यक्ति मिल करके एक सुंदर सा बढ़िया सा मकान बनाकर दिया करते थे। एक आदमी लोगों से बात करता, डील करता और दूसरा आदमी अपने वर्करों को लेकर के उप मकान बनाया करता था। दोनों का काम बहुत वर्षों से चलता आ रहा था और दोनों बहुत ही फेमस कारीगर थे। किसी भी आदमी को जब कभी घर बनवाना होता था, मकान बनवाना होता था, कोई बिल्डिंग तैयार करनी होती थी, तो उससे संपर्क करते थे लोग और वो पूरा नक्शा निकलवाते, काम करवाते, सब कुछ ठेका लेकर के, कैसे सीमेंट लगना है, कौन सा छड़ लगना है, कौन सा क्या चीज लगना है, सब कुछ वो अपने हिसाब से करते और बहुत ही अच्छा मकान बना करके लोगों को दिया करते थे। ये बिजनेस बहुत वर्षों तक चलता आ रहा था। दोनों व्यक्ति लगभग रिटायर का समय हो चुका था, बहुत वर्ष के हो चुके थे। तो उसका जो वर्कर था, जो कारीगर था, जो दो व्यक्ति काम करते थे, उनका जो छोटा था वो कारीगरी का काम करता था, वो मकान बनाने का काम करता था। वो व्यक्ति एक दिन सोचता है कि बहुत साल हो गया ये काम करते 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 और मेरी उम्र भी बहुत ढल चुकी है, अब ये सब छोड़ करके किसी भक्ति भजन के क्षेत्र में लगना चाहिए। रुपया पैसा कमाने का काम तो बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, ज्ञान का काम ये कुछ किया नहीं, तो क्यों ना मैं अब इनसे रिटायर लेकर के आगे के जीवन को सुखपूर्वक जीवन जीऊं। तो वो अपने बड़े बॉस के पास, बड़े साथी के पास एक बार बात रखता है कि भाई साहब, हम दोनों बहुत ही दिन से काम करते आ रहे हैं और काम करते 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 मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि अब ये काम धाम छोड़ करके भक्ति भजन के क्षेत्र में लगूं। तो उसके बॉस ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप चले जाइएगा, लेकिन मेरा एक मन है। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा कि आप रिटायर ले रहे हैं, हम दोनों इतने दिन से साथी थे, हमेशा खाते थे एक साथ, हमेशा बैठते थे एक साथ, हमेशा एक साथ रहते थे, कहना चाहिए कि आप मेरे लवटिया यार हैं और आप मुझसे अलग हो रहे हैं, तो क्यों ना हम
एक पार्टी रखें और तब तक एक छोटा सा काम भी है वो काम भी हो जाएगा और उसके बाद पार्टी रखेंगे, उसके बाद आपकी विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। पार्टी का समय भी निश्चित हो गया कि इस तारीख को इस दिन एक जगह पर हम सब अनेक अतिथियों को बुलाएंगे और वहां पार्टी करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा काम है और वो काम ये है कि एक काम आया है, एक बिल्डिंग बनाने का काम है, वो काम कर लेते हैं, तब तक फिर ये भी काम फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस वर्कर का उतना मन नहीं था क्योंकि थक गया था, बहुत साल से करता आ रहा था। सोचा कि चलो किसी भांति अब ये भी पिंड छूटे और उस काम करने के लिए लगा। नक्शा निकलवाया अनमने ढंग से, जैसे तैसे जो भी हो, बहुत ध्यान नहीं देता था। सामान मंगवाया और वर्करों से कहा चलो काम शुरू करो। काम शुरू किया, धीरे 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 काम होता गया, बिल्डिंग बनती गई, तैयार होता गया मकान, और अंत में मकान बन करके तैयार भी हो गया। जैसे तैसे जैसे ही ये मकान बन करके तैयार हुआ, उसके दो चार दिन के बाद ही उनका पार्टी का समय भी आ गया, विदाई समारोह का समय आ गया। अनेक गण्यमान्य नागरिक दूर दूर से बुलाए गए थे, सब पार्टी में उपस्थित थे। उसी समय उसका जो बड़ा बॉस था वो उठा और सबके बीच कहा कि ये मेरा छोटा भाई जैसा है, हम दोनों बहुत साल से एक साथ काम करते आ रहे थे, दोनों ठेका लेते थे और अच्छे से अच्छा जितना हो सकता था हमसे अच्छे से अच्छा मकान बना करके हम लोगों को दिया करते थे। आज हम दोनों के जुदाई का समय है, विदाई का समय है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस छोटे भाई को एक तोहफा रूप में एक गिफ्ट देना चाहता हूं, एक तोहफा देना चाहता हूं, और वो तोहफा ये है कि अभी अभी हमने जो नया मकान बनाकर तैयार किए हैं वो मकान में इस भाई को गिफ्ट करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। इतना सुनते ही जो छोटा भाई था, जो छोटा वर्कर था, वो खुशी खुश होने के बजाय दुखी हो गया, रोने लगा। पता है क्यों? क्योंकि वो दोनों मिलकर के अनेक साल से बहुत अच्छे से अच्छा मकान बनाते थे, लेकिन जो अंतिम का जो मकान था उसमें उसने कोई ध्यान नहीं दिया था, अनमने ढंग से बनाया था, जैसे तैसे, कहीं सामान अच्छे से नहीं लगा है तो कहीं कोई मजबूती नहीं है, कहीं कुछ, अपने मन जैसे भी तैसे बनाने का काम कर लिया था। और लास्ट में जब ये पता चला कि जो मकान मैंने बनाया है वो मुझे ही तोहफे में मिलने वाला है, मुझे ही तोहफे में मिल रहा है, तो रोने लगा और ये विलाप करने लगा कि काश काश मुझे एक दिन पहले पता चला होता, कुछ दिन पहले पता चला होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है, तो मैं दुनिया का सबसे सुंदर मकान इसे बनाता, सबसे अच्छा मकान इसको बनाता, मैं अपने मेहनत का हर एक पाई पाई इसमें लगा देता, खून पसीना एक करके इसको बनाया होता, लेकिन काश ये मुझे कुछ दिन पहले पता चला होता। बंधुओं, हम सब के जीवन की भी यही दशा है, हम सब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। आज हम लोगों को आभास होता है कि काश ये जिंदगी कैसे जीना है ये हमें पहले पता चला होता तो आज हमारी जिंदगी का जो हाल आज है शायद उससे बहुत बेहतर होता।
हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है ये खुशनुमा हो जाए, सुंदर हो जाए, मंगलमय हो जाए, लेकिन हम इसे अच्छा बनाने का काम नहीं करते। बच्चे होते हैं तो कुछ दिन तो बचपना में गुजर जाता है, पढ़ाई लिखाई में गुजर जाता है, तब उतना सोचने और समझने का वक्त भी नहीं होता कि हम अपने जीवन के बारे में सोच पाए। लेकिन हमारे एज के लोग, हमारे उम्र के लोग, जिनके पास अभी ताकत है, बल है, शरीर में, मन में ऊर्जा है, वो लोग, उनकी दशा आज आप देख रहे हैं। नवयुवक जिसे कहते हैं, नवयुवती जिसे कहते हैं, वो लोग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को आज आप देखें, वे चाहते तो हैं कि अच्छा जीवन जिए, लेकिन संस्कार के अभाव में वे ऐसा जीवन जीते हैं जो घृणित होता है। उन्हें एक अच्छा संस्कार नहीं मिल पाता, उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का तरीका नहीं मिल पाता, और गलती उनकी भी है और हमारी भी है, क्योंकि हमने उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाया नहीं और उन्होंने जीवन जीने का तरीका सीखा नहीं। अगर वो जीवन जीने का तरीका सीख लेते तो आज वे अच्छा जीवन जीते, और यदि हम चाह करके हम उन्हें जीवन जीने का अच्छा तरीका बता देते आज वे अच्छा जीवन जीने लग जाते। कमी सिर्फ उनके तरफ से नहीं, कमी हमारे तरफ से भी होती है। हम जहां सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, अच्छे विद्वान के पास जाते हैं, तो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते, और बच्चे अपने से कभी जाना नहीं चाहते। अपनी ही घटना बताऊं, वैसे तो गुरुदेव जी की शरण में सौभाग्य से 14 वर्ष की उम्र में यहाँ आने को मिल गया, अवसर प्राप्त हो गया, लेकिन उसके पहले, कुछ वर्ष पहले से ही पिताजी इधर जुड़े हुए थे। गुरुदेव जी का सत्संग जन्मभूमि के तरफ हुआ करता था, और एक बार उनको किसी अपने दोस्त के साथ सत्संग में जाने का मौका मिल गया, और जब सत्संग में गए तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया, और वे वहां से कुछ पुस्तकें लेकर के जाते थे और मुझे दिया करते थे। तो मैं क्या करता था, उसमें से जो कहानी होता था ना, उसको पढ़ लेता था, बाकी छोड़ देता था। बचपना था, पिताजी बार बार कहते कि नहीं, इसे भी पढ़ा करो, इसको भी पढ़ा करो, मैं नहीं पढ़ता। कुछ दिन बाद हुआ कि पिताजी ने एक ट्रिक अपनाया, कहा कि जब अब तुम पढ़ोगे तब तुम बोल बोल कर कर पढ़ोगे और मुझे पढ़ करके सुनाते जाओगे, मैं बैठूंगा पास में और तुम मुझे सुनाना। अब तो कहीं गलती करने का चांस नहीं, पूरा पढ़ता था और सुनाता जाता था। धीरे धीरे ऐसा मन बदला कि गुरुदेव जी के शरण में आने का अवसर मिल गया। ये हुआ कैसे, ये उस पिता की देन है। मैं आज भी उनकी इस महान कार्य को सत्सत नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने यदि ये अपनाया नहीं होता तो आज मेरा जीवन कहां होता कुछ पता नहीं। स्कूल में तो एक ऐसे हाई फाई स्कूल में पढ़ा करता था जहां पर गरीब बाप के अमीर बेटे पढ़ते थे। पिता तो गरीब है लेकिन किसी भांति से उन्हें पैसा मिल जाता था और ऐश और आराम की जिंदगी जीते थे। पढ़े लिखे नवाब जिसे कहते हैं, ऐसे लोग उस स्कूल में पढ़ा करते थे, और उसी स्कूल में मैं भी पढ़ता था। किंतु जब इधर आने के बाद जब स्कूल में जाना हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि सर आप इस स्कूल में कुछ देर स्पीच दें, और स्पीच जब दिया, ये प्रवचन जब दिया, तो उसके बाद जो प्रिंसिपल थे मुझे गले लगा लिए और कहा कि मेरे स्कूल का आज नाम रोशन हो गया। क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो जीवन जीने का तरीका है, ये हम बचपन से अगर मिल जाए ना तो जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है ये जीवन। क्योंकि हमें कब, कहां और कैसे बोलना है
मैं एक दिन यहां कहा भी था कि इंसान बचपन से ही कब कैसे बोलना है, कैसे बोलना या तो सीख लेता है, माता होती है, पिता होते हैं, वो सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा माँ बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो। ऐसे करते 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 पढ़ाई लिखाई का समय आता है, पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं और हम बोलने का तरीका सीख जाते हैं। लेकिन जीवन के अंत आते आते तक, जीवन के अंतिम पड़ाव में आते तक हम यह नहीं सीख पाते कि हमें कब, कहां और किस ढंग से बोलना है। आज अच्छे अच्छे को देखिए, बूढ़ा गए हैं लेकिन उनकी वाणी कर्कश होती है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, कहते बूढ़ो चुपचाप तो रहो, शांत तो बैठो। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में मिठास नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि कच्चे आम चिकने भले होते हैं, कच्चे आम चिकने भले होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, और पके आम सिकुड़े भले होते हैं लेकिन मीठे होते हैं। हम सब अपने जीवन को मीठा बनाएं। भले ही हमारा जो शरीर है ये सिकुड़ता जा रहा है, बुढ़ापे के शरीर को देखेंगे आप कि मांस झुर्रियां पड़ जाते हैं, सिकुड़ जैसा जाता है, भूने भांटे की तरह हो जाते हैं लोग, लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो मीठा होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए। एक अच्छे विद्वान ने कहा है कि हम अपने जीवन को इस ढंग से बनाएं, हम अपने जीवन को इस ढंग से बना लें कि हम कहीं जाए ना तो लोग बैठे ना रहे, हम कहीं जाए तो लोग बैठे ना रहे, और अपने जीवन को इतना भी ऊंचा ना उठा ले कि लोग आपके पास आकर बैठ ना सके। कितनी बड़ी बात है, आप अपने एटीट्यूड को, अपने अहंकार को इतना भी ऊंचा मत उठा लो कि लोग आपके पास जाने से कतराएं, आपके पास दो वक्त का समय ही ना हो उनसे बात करने के लिए, इतना भी ऊपर मत उठ जाना साहब। और अपने जीवन को इतना खूबसूरत बना लेना, इतना खूबसूरत बना लेना कि आप जहां जाएं वहां लोग आपके सम्मान में उठकर खड़े हो जाएं। हम अपने जीवन को किस ढंग से बनाते हैं, हम अपने जीवन को देखें, हम अपने स्वभाव को देखें। इंसान के पास मन है, वाणी है और इंद्रियां है। हर इंसान के पास, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, उसके पास मन है, वाणी है और इंद्रियां है। और इन्हीं तीनों का अगर इंसान संवार ले तो इंसान इंसान नहीं भगवान हो सकता है। भगवान का मतलब क्या होता है? भग्न कर दिया वान जिसने, भग्न कर दिया वान जिसने, अपनी वासनाओं को जो मिटा देता है, अपनी चंचलताओं को जो खत्म कर देता है, अपनी इच्छाओं को जो खत्म कर देता है वह भगवान हो जाता है। हम सब भगवान हो सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय, कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माय, कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत जन कैसे जीवन जीते हैं? एक छोटे से पद में सदगुरु कबीर बता देते हैं। कमल पत्र है, कमल का फूल आप सब देखे होंगे, कमल का फूल पैदा कहाँ होता है? कीचड़ में पैदा होता है, जिस तालाब में या जिस जगह पर पानी भरा होता है और वहां नीचे कीचड़ होता है, दलदल होता है, वहां कमल का फूल पैदा होता है। और इस ढंग से पैदा होता है कि कमल का फूल जब धीरे 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 अपने तनों को इतना उठा लेता है कि वो पानी में भी नहीं रुकता, पानी से ऊपर उठ जाता है,
और पानी से ऊपर उठ करके करता क्या है? अगर आप कमल का फूल या कमल का पत्ती देखे होंगे और उसमें एक बूंद पानी भी डाल दीजिए, एक बूंद पानी भी डाल दीजिए तो उसे चिपकेगा नहीं, धड़क जाता है, नीचे गिर जाता है। इस तरह इस संसार में सद्गुरु कबीर कहते हैं कि संत जन कैसे रहते हैं, संत जन इस संसार में रहते तो हैं लेकिन इस संसार से ऊपर होकर जीवन जीते हैं। आपको लगेगा कि संत जन संसार में ही तो हैं, वे भी तो खाते हैं, वे भी तो पीते हैं, वे भी तो उठते हैं, वो भी तो बैठते हैं, वो भी तो कपड़ा पहनते हैं हमारे जैसे, वो भी तो सबके जैसे खाते पीते और रहते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक स्थिति है वो हमारे और आपके से ऊपर होता है। संत गुरुजन में यही फर्क है कि उनकी जो मानसिक दशा है, मन की जो दशा है वो अलग होती है। हम सब अपने जीवन को देखें, अपने जीवन में परिमार्जित करें कि हम अपने जीवन को कैसे बनाएं कि हम भी उनके जैसा बन सकें। हर इंसान की ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनका क्षमता नहीं होता कि वो सब संत बन जाए, लेकिन जो उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो सद्गुण है, कुछ तो हमारे अंदर आ जाए, कुछ तो हमारे जीवन में उतर जाए, और उसके लिए जब हम काम करेंगे तभी हमारा जीवन संवर सकता है। तो मैं कह रहा था कि हर इंसान के पास मन है, वाणी है और इंद्रियां है, तीनों को एक बार देखें। हमारा जीवन इन्हीं तीनों से उत्पन्न होता है। जीवन क्या है, एक छोटी सी पुस्तक है यहाँ पर, जीवन क्या है, और उसमें सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने पहले ही पन्ने में लिखा है, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस दो दिन का मेला है। ये जीवन क्या है, शरीर और जीव इन दोनों के जो संगम काल है इसी को जीवन कहा गया है, इसी अवसर को जीवन कहा गया है। सिर्फ शरीर को जीवन कहा जाए ये भी संभव नहीं है, और सिर्फ जीव को कहा जाए ये भी संभव नहीं है। जब ये दोनों का संगम काल हो जाता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब हमारा जीवन प्रारंभ होता है। जैसे माता के गर्भ में एक शरीर पलना शुरू होता है, सिर्फ शरीर के पल जाने से वो जीवन नहीं है, उसमें जब जीव आत्मा का निवास होता है, आत्मा जब वहां होती है, आत्मा का जब उसमें प्रविष्ट हो जाता है तब वो जीवन का रूप लेता है, और वो धीरे से शरीर गर्भ में पक करके बाहर आता है और जब हम सबके बीच हम सबके सामने प्रकट होता है। तो जो शरीर है इसे हम ये कुछ दिन पहले बनता है, अंत में विनाश हो जाता है इसका। जैसे माँ है, माँ को जब गर्भधारण होता है या कुछ जो होता है क्रिया आप सब कुछ जानते हैं, तो उस समय क्या होता है कि शरीर का निर्माण होता है, ये शरीर का निर्माण होता है, और बुढ़ापा आते के बाद कुछ दिन बाद कुछ लोग तो बुढ़ापा के पहले ही मर जाते हैं, कुछ लोग जवानी में ही मर जाते हैं, लेकिन एक समय इसका विनाश पक्का है, जो जन्म लेता है उसका विनाश भी निश्चित है, उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो मैं कह रहा था कि हमारे इस शरीर का जन्म होना और मृत्यु होना, इसके जो बीच का जो अवसर है, इसके बीच का जो समय है वह है जीवन, और इसी को हमें सजाना है, इसी को हमें संवारना है। हम ना जन्म को बदल सकते हैं ना मृत्यु को बदल सकते हैं। जैसे जन्म माता के पेट में हमारा जब शरीर पलता है और बाहर आता है, इसको हम सब क्या करते हैं, इस पर हमारा कोई हक नहीं है, इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। हम चाहें कि हम माँ के पेट से गर्भ लें, बाहर नहीं आएंगे, हम कहीं और से जन्म लेंगे, हमारे लिए संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं है। हम रोते रोते जन्म लेते हैं, हम चाहें कि हम रोते रोते जन्म नहीं लेंगे, यह भी संभव नहीं है। लेकिन अपने जीवन को यदि हम सजा लेते हैं, अपने जीवन को यदि संवार लेते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं, तो हम रोते रोते मरेंगे नहीं, यह हमारे हाथ में है।
यह हमारे हाथ में है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के पहले यदि हमारे आंखों में आंसू है तो जान लीजिए कि हमारा जीवन व्यर्थ है। और मृत्यु के पहले हमें अगर खुशी हो, महसूस हो कि हमने जीवन जो जिया है वो अच्छे से जिया, शांति से जीवन जिया, तो हमारा जीवन सफल है। और यही हमें सजाना है, यही हमें संवारना है। अब प्रश्न होता है कि इस जीवन को सजाएं कैसे, इस जीवन को संवारे कैसे। ये जो जीवन हमें मिल गया है, इस जीवन को हम सजाएं कैसे, इसको हम संवारे कैसे। तब सतगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी लागे डार। ये जो मनुष्य का जन्म मिला, ये बहुत ही मुश्किल से मिला है। इसकी विशेषता क्या है? मानुष तेरा गुण बड़ा। इसकी विशेषता बता रहे हैं, देखिए, मानुष तेरा गुण बड़ा। मासुन आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आप सब देखे हैं जो जानवर होते हैं, भेड़ हैं, सियार हैं, इनके सबके चमड़ी जो है ना, इसके चाम को मरने के बाद इसके चाम को निकाल लिया जाता है और उससे बाजा बजाया जाता है, बाजा बना करके उसकी उपयोग किया जाता है। हाथी के दांत हैं, उसके गहने बनाए जाते हैं। सिंह के चाम को अब तो वैसा कोई अवसर नहीं है, नहीं तो पहले संतजन भी, मुनि जो होते थे, वो बिछा करके उस पर बैठते थे, सिंह के और चीता के या फिर हिरण के, इन सब के चाम को बिछा कर बैठा जाता था। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बाकी प्राणियों के जो शरीर है उसका तो उपयोग हो जाता है, लेकिन आदमी के शरीर का कोई भी उपयोग नहीं होता है। अब विज्ञान के कुछ सिस्टम के अनुसार कुछ उपयोग कर लिया जाता है, जैसे मृत्यु के 6 घंटे पहले अगर आप अपना आंख दान कर देते हैं तो किसी अंधे को आंख मिल सकता है। अपनी बॉडी को अगर डोनेट कर देते हैं तो उस आपके बॉडी के किडनी है, लीवर है, इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये बात सदगुरु कबीर के समय की थी, जब ये विज्ञान का युग उतना आगे नहीं था। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम ना तो चील के समान देख सकते हो। चील और बाज को आप देखेंगे कितना ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन अगर जमीन में कहीं मुर्दा पड़ा हो तो उसको वहां से दिख जाता है, इतना उसका आंख तेज होता है। और हमारे आंख से हम ज्यादा दूर तक तो नहीं देख सकते, कुछ वर्षों के बाद देखना भी कम हो जाता है, चश्मा लगाना पड़ता है, लेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उन्हें कभी चश्मा लगाना नहीं पड़ता। चींटी को आप देखें, चींटी कहीं भी मिठाई रखा हो, मीठा चीज रखा हो, और कहां से वो सूंघ लेती है, उसको कभी बताना पड़ता है कि हाँ मिठाई रखी हुई है। और हमारा नाक, कितना भी यही गंदगी हो तो भी हमें गंद नहीं पसंद नहीं आएगा। कई बार अच्छे अच्छे फूल की खुशबुओं से हम बगीचे से पार हो जाते हैं तो भी हमें उसका सुगंध पता नहीं चलता। लेकिन चींटी को देखिए, भौरे को देखिए, जब बगीचे में फूल खिलता है तो किसी भौरे को निमंत्रण देना नहीं पड़ता, उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाते हैं और पराग ले लेते हैं। फिर हमारे इस मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है? क्यों इसकी इतनी महिमा गाई गई है? क्यों कहा गया है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? क्यों इसकी इतनी महिमा? मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम्हारे गुणों की विशेषता इसलिए है क्योंकि तुम सोच सकते हो, तुम विचार कर सकते हो, तुम बोल सकते हो, और तुम अपने सुख और दुख का निवारण कर सकते हो। एक पशु है, उसे कभी ठंडी लग जाए तो वो कहीं गर्मी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हम
हमें ठंडी लगती है तो ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, और ज्यादा ठंडी लगती है तो आग जलाकर उसके पास बैठ लेते हैं, लेकिन किसी पशु पक्षी में ये संभव नहीं है। तो हमारे विचारों की विशेषता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति की विशेषता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, हमें गुणों के कारण ही मनुष्य को विशेष माना गया है, और इस विशेषता को हमें अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। खास मेरा मकसद यही है कि हम अपने जीवन को सजाने का काम करें, इस जीवन को संवारने का काम करें, इस जीवन को जितना हो सके खूबसूरत बनाने का काम करें, बहाने बनाना छोड़ दें। हर इंसान, अगर उसे आप कुछ कहेंगे कि भैया तुम ऐसा क्यों नहीं करते, यही है, अनेक लोग हैं। आपसे अगर कुछ प्रश्न पूछो कि भैया आप लोग रोज अपने जीवन के लिए काम क्यों नहीं करते, तो अनेकों के पास बाय डिफॉल्ट बहाने पैदा हो जाएंगे। आपके पास बना बनाया बहाना है, क्या भैया ऊपर वाला जाने, भगवान की जब मर्जी होगी तब हम करेंगे, और कुछ होगा तो कहां भैया गृहस्थी जीवन है, नाना जंजाल है, कहां हम ये सब कर पाएंगे। 24 घंटा आपको भी मिलता है, 24 घंटा हम लोगों को भी मिलता है, और 24 घंटा ही जो लोग उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं उन्हें भी मिलता है। क्या कबीर साहब के पास 24 घंटा से ज्यादा समय था? क्या बुद्ध के पास, महावीर के पास, दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद, इन लोगों के पास क्या 26 घंटा था, या 25 घंटा था, या 24 घंटा एक मिनट था? एक सेकंड भी किसी के लिए कम और ज्यादा नहीं है। परिस्थितियां सबके पास वैसे ही है, फिर भी हम बहाना बनाते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में याद आ गया, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिक विकुकिक नाम है उसका। वो जब बचपन में जब पैदा हुआ ना, जैसे ही वो पैदा हुआ, उसके ना तो हाथ है ना पैर है, उनके पैरों में बस इतने बड़े पैर हैं और उसमें चार पांच कुछ उंगली है, पैर सीधा कमर के नीचे बस इतना सब पैर है, और हाथ नहीं है। और आज के समय में वो इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, प्रवक्ता है, और इतने चीज करता है। तैराक उसका फर्स्ट नंबर, पूरे ऑस्ट्रेलिया में उसके जैसा तैरने वाला नहीं है, पूरी ऑस्ट्रेलिया में उसके जैसा तैराक नहीं है, और उसके जैसा पैराशूट से कूदने वाला आदमी अभी तक ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुआ। सोचिए वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा होगा, जब वो बचपन से, जब कुछ दिन, जैसे ही एक सप्ताह हुआ था, वो डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया, तो पता चला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण उसके शरीर का जो पैर है, हाथ है, वो कभी बढ़ ही नहीं सकता। जैसे तैसे करके जीवन जीने का काम शुरू किया। कुछ लोग थे उसे पढ़ाने लिखाने लगे, और अपने जीवन से इतना हताश हो चुका था कि उसका नाम सब वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दाखिल है क्योंकि सबसे कम उम्र में वो आत्महत्या करने वाला था, इसलिए उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। सोचिए, जो आदमी 7 साल की उम्र में आत्महत्या करने वाला था, वो आदमी आज इतनी ऊंचे शिखर पर है कि उसके जैसा जीवन जीने वाला आदमी यहां शायद ही कोई भी नहीं। हम कौन सा बहाना ढूंढते हैं? परिस्थितियों का, जो परिस्थिति आज हमारे बीच है, उन परिस्थितियों को पाने के लिए अनेक लोग तरसते हैं साहब। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके जैसा अवसर हमें मिल जाए। जाके देखिए फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को, वो चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी किसी ढंग से मिल जाए, वो चाहते हैं कि हमें कहीं पर रहने का एक छोटा सा झोपड़ी मिल जाए, और हम
हम वही सब कुछ पाकर के भी अपने जीवन को सजाने का काम नहीं करते, अपने जीवन को संवारने का काम नहीं करते और हम पतन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को सजाने का काम करें, अपने जीवन को संवारने का काम करें और देखें कि ये जो छोटी सी जिंदगी मिली हुई है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जो जिंदगी मिली है, इसको हम जितना हो सके अच्छा बनाएं, जितना हो सके इसे सजाने का काम करें, जितना हो सके इसे अच्छा बनाने का काम करें, तभी हमारा जीवन, ये मानव जीवन पाना सार्थक होगा। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को सजाने का काम करें। हमारे बीच सद्गुरुजन विराजमान हैं, उनके भी विचारों से हम सब लाभ लेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।